नवरात्र में नौ देवी का दर्शन करने का विधि विधान है। आज सातवां दिन है नवरात्र का। आज के दिन माँ कालरात्रि का दर्शन किया जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं माँ कालरात्रि के प्राचीन मंदिर में। नवरात्रि की सप्तम तिथि को माँ कालरात्रि के दर्शन का विधि विधान है। धर्म नगरी काशी की कालिका गली में माँ कालरात्रि देवी का भव्य और अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। वहीं दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माँ के सप्तम स्वरूप कालरात्रि देवी की पूजा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह माँ की आरती के बाद से दर्शन करने का सिलसिला जारी है। भक्तों का मानना है कि माँ के दर्शन पूजन से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। माँ के भव्य स्वरूप के दर्शन से जीवन में आने वाले समस्त काल का विनाश होता है। माँ कालरात्रि को शत्रुनाशक देवी माना जाता है, इसीलिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ माँ को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने की परम्परा है। माँ को चुनरी के साथ लाल अड़हुल की माला चढ़ाई जाती है। साथ ही यहाँ अगर वो शादीशुदा दंपत्ति दर्शन पूजन करें जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता तो उनके रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। आज नवरात्रि तिथि की सप्तमी तिथि है। इस सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा कालरात्रि रूप में विराजित होती है और मान्यता ये है कि माँ कालरात्रि देवी जी का आज के दिन दर्शन करने से समस्त बाधाओं की शांति होती है। मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है और जिस उद्देश्य के साथ मनुष्य जो भी कामना लेके माँ के दरबार में आता है आज माँ उसकी हर कामना को पूर्ण करती है। माँ का सबसे प्रिय भोग देखिए मालपुआ माना गया है और फिर दही है, मलाई है। शुक्रवार के दिन इनको गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए कालरात्रि जी को लोग गुड़ अक्सर चढ़ाते हैं। आज नवरात्रि तिथि की जो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, दो नवरात्र में माता की आज जैसे शारदीय नवरात्र है तो माता का पट सुबह पंचामृत श्रृंगार, पंचामृत स्नान के बाद और विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा, सुगंधित पुष्पों द्वारा, इत्र द्वारा इनका स्नान होता है। तत्पश्चात श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद भोर में ठीक 3:45 पे माँ का पट दिया जाता है दर्शनार्थियों के लिए। और मैं कालरात्रि माँ के पास बहुत साल से आ रही हूँ और यहाँ पे आते तो लगता है कि अपना है, ये मेरा घर है। और यहाँ आने के लिए हम पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और उत्सुक रहते हैं और सप्तमी पे आने के लिए ज़्यादा खुशी रहती है। और नवरात्रि में माँ कालरात्रि का सप्तमी का दिन होता है, उस दिन हम सभी भक्त, सभी लोग उपासना करते हैं उनकी। और भले ही इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक लगता है मगर ये शुभ फल देने वाली हैं और ये दुष्टों का विनाश भी करती हैं, ऐसा सभी कहते हैं और मानते भी हैं। और ऐसे ही धार्मिक खबरों को देखने के लिए देखते रहें द सोशल राइज़।